डी स्टूडेंट एज वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द रेंडम वॉक, विच इज अनप्रडिक्टेबल हम प्रडिक्ट नहीं कर सकते नेक्स्ट वैल्यू किधर जाएगी और स्टॉक uh, मार्केट में एक्सचेंज uh, रेट में या मोस्ट ऑफ़ द इकोनॉमिक सीरीज आर अनप्रडिक्टेबल हम उनको प्रडिक्ट नहीं कर सकते लेकिन उनमें सम टाइम uh, एक ट्रेंड होता है सम टाइम ट्रेंड नहीं होता उसमें रेंडम वर्क में एक स्पेशल टाइप uh, है लाइक वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रेंडम वर्क विद ड्रिफ्ट जब आप इकोनॉमिक मॉडल डिजाइन करते हैं तो इकोनॉमिक मॉडल दो टाइप के होते हैं वन इज विद ड्रिफ्ट एंड सेकंड वन इज़ विदाउट ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट का कॉन्सेप्ट हम अगर बेसिक इकोनॉमिक थेरी पे जाएं, तो हमने उसको कड़ा किया था लाइक इफ वी हैव कंजम्प्शन थेरी कंजम्पशन इज ए फंक्शन ऑफ इनकम और जब हम उसका कंजम्पशन का मॉडल डिज़ाइन करते हैं तो हम कहते हैं सी इज इक्वल टू एल्फा प्लस बीटा इनकम प्लस एराटम अब उसमें इनकम के चेंज होने से कंजम्पशन चेंज हो रहा है बट देर इज वन एलिमेंट ऑफ ड्रिफ्ट एल्फा एल्फा इज ड्रिफ्ट विच इज कॉन्स्टेंट ड्रिफ्ट का क्या मीनिंग होती है जनरली के कुछ कंजम्पशन आपकी चेंज हो रही है विद पैसेज ऑफ टाइम के जो ही आपकी इनकम चेंज होती है कंजम्पशन चेंज होती है कुछ आपकी कंजम्पशन चेंज होती है जो इनकम पे डिटरमिन नहीं करती वो ऑटोमेटिकली चेंज हो रही होती है अब जो ऑटोमेटिकली चेंज हो रही होती है उसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ कोई एसोसिएशन नहीं होती उसको हम कहते हैं वो ड्रिफ्ट है अब ड्रिफ्ट को हम और सिंपल वर्ड में कांस्टेंट भी कह सकते हैं अब रैंडम वाक जब हम डिस्कस करते हैं तो सम टाइम रैंडम वॉक विद ड्रिफ्ट होता है सम टाइम रैंडम वॉक विदाउट ड्रिफ्ट होता है कि उसमें uh, अगर जीरो से वो स्टार्ट ले रहा होता है इट मीन देर इज नो ड्रिफ्ट देर इज नो कांस्टेंट अगर आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल जीरो है तो डिपेंडेंट भी जीरो है अगर इंडिपेंडेंट जीरो होने से डिपेंडेंट भी जीरो हो जाए तो इट मीन्स कि आपका जो मॉडल uh, है उसमें ड्रिफ्ट एलिमेंट नहीं है अगर आपके इंडिपेंडेंट में चेंज ना आए लेकिन डिपेंडेंट पहले ही उसमें कुछ ना कुछ मूवमेंट हो तो उसको हम कहेंगे देर इज ड्रिफ्ट इसी तरह रैंडम वॉक में हम दो टाइप के मॉडल डिस्कस करते हैं वन इज़ विद ड्रिफ्ट एंड सेकेंड वन इज विदाउट ड्रिफ्ट लाइक यू हैव टर्म विच इज़ लाइक वाई टी माइनस वन इज योर रैंडम लाइक वॉक एंड रैंडम टर्म एंड दिस सिग्मा इज बेसिकली योर कॉन्स्टेंट दिस इज ड्रिफ्ट अगर इसमें सिग्मा आ रहा है इट मीन्स कि यहाँ पर uh, आपके कोई ना कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू एग्जिस्ट करती है आपका इंडिपेंडेंट जीरो होने से डिपेंडेंट जीरो नहीं है या स्टार्ट में जीरो से आप वैल्यू स्टार्ट नहीं कर रहे उसके कुछ ना कोई नंबर आपका आ रहा है अब सेकेंडली इसको जब हम साव करते हैं तो वाई टी और वाई टी माइनस वन जो ए आर प्रोसेस है उसको आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाए तो बाकी आपके पास रहेगा सिग्मा प्लस टर्म uh, और इसको और हम अगर सिंप्लीफाई करें तो इसमें हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल नॉट डिपेंड ओनली वाई नॉट या वाई टी माइनस वन पर डिपेंड नहीं करती प्लस इट आल्सो डिपेंड ऑन टी इन सिग्मा इसी तरह वेरिएंस ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल जब हम लेते हैं तो ये जनरली सिग्मा स्केर होता है बट इफ देर इज ड्रिफ्ट देन लाइक द फॉर्मूला कैन बी चेंज फ्राम सिगमा स्केर टू टी सिग्मा स्केर और इसमें अगर हम इसका ट्रेंड देखें कि रेंडम वाक की शेप किस टाइप की होगी आप एक्सचेंज रेट का डेटा देख सकते हैं आप लाइक uh, like किसी भी स्टॉक्स का डेटा देख सकते हैं आप हंड्रेड इंडेक्स थर्टी इंडेक्स फाइव हंड्रेड इंडेक्स का डेटा देख सकते हैं तो उसमें आपको एक मूवमेंट नजर आएगी इवन पाकिस्तान की जो जी है उसमें भी एक वो अगर उसकी ग्रोथ हम लेते हैं तो उसमें भी एक ट्रेंड कभी इंक्रीज हो रहा होता है कभी डिक्रीज uh, हो रहा होता है और डिटेल में देखने के लिए आई हैव वन एग्जाम्पल ऑफ रैंडम वर्क और इसमें आप देख रहे हैं देर आर थ्री रैंडम वर्क इन रैंडम वर्क वन इन फेज वन वैल्यूज आर इंक्रीजिंग देन देर इज डिक्रीज देन अगेन इंक्रीज देन डिक्रीज यानी रैंडम वॉक वन में यू आर अनएबल इवन टू प्रडिक्ट वैल्यू ऑफ लाइक द सीरीज कि किस तरह इंक्रीज हो रही है इन द सेम पैटर्न रैंडम वॉक टू इसमें क्या हो रहा है स्टार्ट में इंक्रीजिंग देन डिक्रीजिंग देन यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्विच हो रहा है कुछ देर कांस्टेंट रह रहा है देन इंक्रीज डिक्रीज वी आर अनएबल टू प्रडिक्ट फ्रॉम हियर टू हियर हम ये नहीं कह सकते कि अगली नेक्स्ट स्टेप में वैल्यू इंक्रीज होगी

आप एक्सचेंज रेट का डेटा देखें तो आपको इस टाइप का एक वो नंबर आएगा अब इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे कैसे हम रिग्रेशन में यूज करेंगे कैसे पॉलिसी मेकिंग में यूज करेंगे ये हम नेक्स्ट मॉड्यूल में डिस्कस करते हैं